हाय गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल कैसे में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बॉक्स के बारे में, जो कि दोस्तों मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया है और ये आज ही आया है ऑनलाइन। मैंने आज ही किया था, आज से एक सप्ताह पहले, और दोस्तों आज ही डिलीवर हो चुका है। दोस्तों, इसमें क्या है और इसमें क्या फीचर्स मिलने वाला है और इसके सारे डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस बॉक्स के अंदर जो है, इस पैकेट के अंदर फ़ोन है जो कि Realme 5 Pro है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और सारा डिटेल, फ़ोन कैसा है, फ़ोन के साथ क्या क्या मिला है, फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो दोस्तों, ये रहा पैकेट और ये रहा कैंची, तो इसी से हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं। तो पैकेट कुछ इस तरह से आता है, जिसमें आपके इस पैकेट के अंदर, इस पन्नी के अंदर जो है सो आपके मोबाइल का बॉक्स मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से इस बॉक्स को काट देते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं बॉक्स को हमने काट दिया है, और बॉक्स को जब आप देखेंगे तो बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह से एक डब्बा होता है। इस डब्बे को आप कुछ इस तरह से जब निकालेंगे तो इस पैकेट के अंदर सिर्फ एक डब्बा होता है और ये आपका बिल होता है, जो आपने आपका फ़ोन का डिटेल इस बिल में होता है। फ़ोन का डिटेल होगा इस पर्ची में, आपका फ़ोन का डिटेल और बाकी आपका एड्रेस वगैरह होने वाला है। बाकी दोस्तों, जो मेन पैकेट है ये इस डब्बे के अंदर है, इस कार्टून के अंदर है। तो चलिए इसको यहाँ से भी कट करते हैं और फिर आपको बाकी का डिटेल इसमें आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, देख सकते हैं डब्बे को हमने एकदम से कट कर दिया है और फिर से एक डब्बा दिख रहा है। तो चलिए इस डब्बे को निकालने के देखते हैं, निकालने के बाद क्या इस डब्बे में फिर से एक पैकिंग मिलता है। दोस्तों, ये डब्बा देख सकते हैं कुछ इस तरह से था, और इस डब्बे के अंदर ये एक डब्बा था जो कि इसके अंदर फ़ोन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस डब्बे को भी साइड करते हैं। और इस पैकेट में दोस्तों, इस डब्बे में अभी तक ये तीन चीज़ मिला है, ये एक कवर, ये एक कार्टून, ये एक इसका बिल और ये फ़ोन का डब्बा है। चलिए बाकी सभी सामानों को हटाते हैं और इस डब्बा को अब खोलते हैं, क्या होने वाला है इस डब्बा में, कैसा होने वाला है इसका पैकिंग और ये फ़ोन। दोस्तों, इस तरह का कवर था जो कि इसके अंदर फेटा हुआ था। दोस्तों, मेन चीज़ आप देख सकते हैं फ़ोन कुछ इस तरह से है। यहाँ ऊपर में आपको रियलमी का ब्रांड, तो गाइस ऊपर में आप रियलमी का ब्रांडिंग देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड। दोस्तों, फिर आपके नीचे आइएगा तो Realme 5 Pro, उसके बाद वॉक चार्जिंग फ्लैश, उसके बाद 3.0, ये जो है इसका वर्जन है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, और यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन कुछ इस तरह से दिखने वाला है, बैक और फ्रंट। दोस्तों, इस साइज में आएंगे, इस साइड में जैसे ही आप आते हैं तो Realme 5 Pro लिखा हुआ है, और जैसे ही बैक में आएंगे तो बैक में आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए फ़ोन का सारा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना आपका मॉडल है, क्या EMI है, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फिर इसमें यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फ़ोन का प्राइस लिखा हुआ है, कैमरा कितना कितना MP का दिया हुआ है, कितना वेट है, स्क्रीन साइज, सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर इस साइड में भी आपको Realme 5 Pro का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इस फ़ोन को हम यहाँ से कट करने के बाद इस फ़ोन को खोलते हैं और फिर फ़ोन को आप फ़ोन के साथ साथ क्या मिलने वाला है, बाकी डिटेल, सारा डिटेल इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा आप। तो दोस्तों, देख सकते हैं फ़ोन जैसे ही आप खोलिएगा तो फ़ोन कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो फ़ोन के साथ कुछ इस तरह से कवर होता है जो कि काफ़ी टाइट था, और ये फर्स्ट में आपको ये देखने वाला है, फर्स्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको Realme फैमिली वेलकम करता है, और इसमें देखिए इसके अंदर एक बैक कवर दिया हुआ है, तो
तो बैक कवर का क्वालिटी भी कुछ शानदार है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे पूरा स्क्रैच लेस है जो कि आपको फ़ोन को गर्म होने से रोक सकता है। बाकी कुछ इस तरह से लोगो लगा हुआ है इस QR कोड की तरह, आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको रियलमी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट गाइड मिलता है और यहाँ से सेटअप करने के लिए कुछ आपको सेटिंग यहाँ पे बताता है। तो चलिए दोस्तों, इस सबको साइड में रखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप फ़ोन गाइज, फाइनली इस डब्बे में आप देख सकते हैं फ़ोन है। तो चलिए फ़ोन को यहाँ से निकालते हैं। फ़ोन निकालने के बाद गाइज आप देख सकते हैं फ़ोन कुछ इस तरह से है। तो फ़ोन के बाद बात दोस्तों हम बाद में करेंगे, बाकी पहले इसके सारा डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ही आप इसको ऊपर से हटाएंगे इस तरह के कार्टून को, तो आपको यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स चार्जर देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी हैवी लग रहा है देखने में। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इसका डिटेल है, बाकी डिटेल आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। और जब आप इसके डब्बे पे देखे थे तो डिटेल मिल रहा था दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना पावर सप्लाई करने वाला है और क्या इसका बाकी डिटेल होने वाला है। चार्जर के साथ ये डाटा केबल जो कि मोबाइल को चार्ज करने के लिए भी यूज होता है और डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए भी दोस्तों। ये टाइप सी है, तो आप इस टाइप सी को भी देख लीजिए ज़रा सा कि टाइप किस तरह से होता है दोस्तों। इस टाइप सी में आपको एक फ़ायदा होता है कि आप फ़ोन को किसी भी तरह से, इसमें ये नहीं होता है कि ये सीधा है या ये सीधा, आप किसी भी तरह से लगाएंगे तो सीधा ही रहता है, फ़ोन चार्ज होगा। चलिए दोस्तों, फाइनली इसके अंदर अब कुछ नहीं है, इस डब्बे में पूरी तरह से खाली हो गया। और इस डब्बे को भी साइड करते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको एक मिल जाएगा सिम इंजेक्टर टूल, जिसके मदद से आप सिम को खोलकर इसमें लगाने के बाद इसे सेट कर सकते हैं। इसे आप अच्छे से संभाल कर रखिए वरना खो जाने पे आपको अलग से लेना पड़ेगा दोस्तों। फाइनली यहाँ पे आप फ़ोन देख सकते हैं। फ़ोन को दोस्तों यहाँ से इस कवर से निकालते हैं और यहाँ पे देखिए फ़ोन कुछ इस तरह से शानदार तरीके से पैकिंग होता है। और फ़ोन का लुक दोस्तों स्क्रैच से बहुत बिल्कुल तरह से अच्छे तरीक़ा से रख सकता है बचा के दोस्तों। फ़ोन का लुक देख सकते हैं कितना शानदार है और ये कितना शाइनिंग है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा कुछ इस तरह से जो है, तो चार दिया हुआ है। फर्स्ट में आपको 48 मेगा फ्लैक्स, बाकी का 2, 5, 8 इसे दिया हुआ है। फ्लैश लाइट आपको यहाँ पर मिल जाता है, फिंगरप्रिंट और कुछ डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको बैक में देखेंगे तो रियल मी का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, टॉप में देखेंगे तो आपको कुछ दिखने नहीं दिखेगा। और यहाँ पे दोस्तों साइड में एक सेंसर दिया हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा दोस्तों। लेफ्ट साइड में बात करें तो वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, उसके बाद यहाँ से आप सिम को लगा सकते हैं दोस्तों। लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर पावर बटन, और बॉटम में देखते हैं तो ईयरफोन मैक और यहाँ से चार्जर लगा सकते हैं फ़ोन को चार्ज करने के लिए। और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पीकर। टॉप में देखें तो दोस्तों सिर्फ नॉइज़ कैंसिलेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इस फ़ोन को क्या करना है, अब बूट करना है और सारा सेटिंग इसको देखते हैं कि किस तरीक़ा से ये सेटिंग होता है, बाकी का डिटेल सारा इसमें मिलने वाला है गाइज। जैसे फ़ोन को बूट करना है आपको नए मोबाइल को, तो क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए पावर बटन है, इस पावर बटन को थोड़ा देर प्रेस करके आपको रखना होगा। जैसे ये फ़ोन ऑन होता है बाकी का सेटिंग आप उसके बाद कर सकते हैं। जैसे फ़ोन बूट होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए रियलमी पावर्ड बाय एंड्रॉयड लिखा आ जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या क्या होने वाला है इस पूरी वीडियो में हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। रियलमी का कुछ इस तरह से ब्रांडिंग आता है फिर से जैसे ही वो पावर ऑन होने को तैयार होता है। तो दोस्तों जैसे फ़ोन बूट हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट लैंग्वेज यहाँ पे मिल रहा है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए टर्म ऑफ यूज है, बाकी का जो भी एग्रीमेंट होता है इस फ़ोन को, इस पर आपको कंटिन्यू पे प्रेस कर दीजिए यहाँ पे, तो ये फ़ोन जो है सो आपका चालू हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा वाईफाई सिग्नल आ रहा है, तो वाईफाई सिग्नल को आपको क्या करना है, अभी स्किप कर देना है, तो यहाँ पे आपको स्किप पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वाईफाई असिस्टेंट का, जहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द बेस्ट वाईफाई, यहाँ पे आपको एक टिक लगाना होता है जो कि आपको नहीं लगाना चाहिए अभी, और यहाँ से आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो गूगल सर्विस यहाँ पे आ जाता है, बाकी का एक डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो आपको क्या करना होगा, सीधा एक्सेप्ट पे आपको क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको लॉक लगाने के लिए कहा जाता है, जैसे कि देख सकते हैं फिंगरप्रिंट, फेस, पासवर्ड जो भी लगाना चाहते हैं आप यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करके लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी फ़ोन को बूट किए हैं तो चलिए सीधा एस्कीप पे क्लिक करके आपको फ़ोन को बूट करना दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम एस्कीप पे क्लिक कर दिए। एस्कीप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि अभी लिखा हुआ है ऑटो अपडेट ओवरनाइट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ये फ़ोन बूट होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट डाटा। दोस्तों ये बिल्कुल नया फ़ोन है तो अगर आपको कोई डाटा ही नहीं है तो इसमें रिकवर आप क्या कीजिएगा, इसलिए आपको क्या करना होगा, सेट एज ए न्यू रियलमी फ़ोन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बहुत सारा ऐप मार्केट की तरफ से ऐप आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद ये देखिए वेलकम आ जाता है और 6 कलर OS आता है जिस पे फ़ोन काम करता है। दोस्तों आपको फिर से क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो फ़ोन आपका कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए बात करें तो पहले आपको टाइम दिखाता है और इस साइड में आपको बात करें तो यहाँ पे बैटरी, ऊपर आपको गूगल मिल जाता है जहाँ से आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट दिखा रहा है जो कि बिल्कुल डेट गलत है और इसको सेटिंग आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको फ़ोन का कॉलिंग बटन मिल जाता है, फिर SMS, फिर गूगल क्रोम, उसके बाद दोस्तों यहाँ से फ़ोटो और यहाँ से आप कैमरा को चालू कर सकते हैं। बाकी का गूगल का जितना भी एप्लीकेशन होता है सारा यहाँ पे दिया हुआ है और प्ले स्टोर, ऐप मार्केट, क्लॉक और टूल्स में दिया हुआ है। दोस्तों इस फ़ोन को आप कुछ इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो बाकी का एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होगा। तो दोस्तों इस तरीक़ा से आप अपने फ़ोन को लॉगिन और लॉग आउट कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस फ़ोन को आप ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तब भी आपको बहुत सारा ऑप्शन एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी तरह से Realme 5 Pro किस तरह का फ़ोन है और यहाँ पे किस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसमें लॉक कैसे लगाते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट, फेस लॉक और पासवर्ड। उसके बाद दोस्तों इसमें कैमरा क्वालिटी कैसा है, सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। तब तक दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।